बैठे ये से मारे मुता हवेली फिर अटक गई। चलिए चाचा जी, अगली बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पछताओगे चाचा जी, पूरी तरह से पछताओगे। जय श्री राम जय श्री हनुमान। आवाज कहाँ से आई? घबराइए मत चाचा जी, मेरी जेब में कुछ छुट्टे पैसे हैं जो खनक रहे हैं, ये देखिए। और आप खामखा ही डर रहे हैं? अरे डर तो जे हवेली माँ कैद से सुबीर बेटा, अम्रपाली की भटकती हुई आत्मा के साथ जे वो जगह से जहाँ पिछली बार मन्ने दिखी थी वो वहाँ के पायलों की खनक, वहाँ के लहराते हुए बाल, वहाँ का जला हुआ आधा चेहरा, खौफनाक चेहरा, वहाँ की लाल लाल कूरती हुई चुपती हुई आंखें। ना सुबीर बेटे, ना ये अम्रपाली इस हवेली में किसी को रहने नहीं देगी। चाचा जी, आपका वहम है या तो फिर आपके साथ किसी ने बहुत बुरा मजाक किया है। खैर छोड़िए, बस आप इजाजत दीजिए, फिर देखिए मैं और मेरे पार्टनर्स मिलकर इस हवेली को एक 5-स्टार होटल में बदल देंगे, और ऊपर से आप 50% के पार्टनर। रे ना रे, इसे से बढ़कर जान होवे से अम्रपाली ये हवेली किसी के कब्जे में नहीं जाने देगी। अरे ना, अरे ये तो जरी बात से, मारी हवेली का पहरेदार। खम्मा घड़ी हुकुम। इतनी रात को इस वक्त आपका आना कैसे हुआ? ये मारा भतीजा से सुबीर जैसोल शहर से आया है, हमारी हवेली को खरीदना चाहे से। मौत को भी कोई खरीद सके? ये हवेली भूतिया है, जान ले लेगी थारी। अच्छा एक बात बताएं, ये आम्रपाली थी कौन? आज से 250 साल पहले एक राज परिवार यहां रहा करता था, उसकी बड़ी बहू थी आम्रपाली। संतान की लालच में उसने काले जादू का सहारा लिया और एक पागलपन में गलती से उसने अपने आप को जला दिया। तब से कहते हैं कि इस हवेली में उसकी आत्मा भटकती रहती है। देखिए मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ चाचा जी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बार मेरा प्लान देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक, वरना आपका फैसला। ये तो गलत फाइल है, सही फाइल मैं अपनी गाड़ी में भूल आया हूँ, रुकिए मैं लेकर आता हूँ। भाई साहब मैं भी चलता हूँ, बाहर जंगली जानवर का खतरा हो सकता है। चलिए। साहब जी। हाँ क्या हुआ? वो
मैं अपनी बंदूक की गोलियां आपको लाया हूं। पास में मेरी झोपड़ी है, मेरा बेटा नंदू वहां होगा, मैं उसे गोली लेके आता हूं। अरे लेकिन अजीब आदमी है। हाँ विकास बोलो। नहीं यार नहीं मान रहे, वो अभी भी वही पुरानी भूत प्रेत की कहानियों को लेकर बैठे हैं चाचा जी। इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है उन्हें, करोड़ों का मुनाफा होगा, लेकिन ये जितनी भी ओल्ड जनरेशन है ना, यू नो दे आर लाइक हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति है, और हम अक्सर उसे ही अपनी कमजोरी बना लेते हैं, जैसे चाचा जी। चाचा जी Subir Jaisol arrested for murder claims that spirit committed the crime. Wow. वो सच्ची बोलता है। Right, right. आत्मा लोग ऐसी हवेली में रहता है। मेरे ढानू के घर के पास एक भूत बंगला है। उधर मैंने चुड़ैल को देखा है। Right, Mrs. Billimoria. वैसे एक चुड़ैल तो मेरी बिल्डिंग में भी रहती है, लेकिन आजकल के जमाने में ये मिस्टर केडी पाठक जी, मैं विकास केजरीवाल, सुबीर जैसोल का बिजनेस पार्टनर। आइए आइए बैठिए, अभी आप ही की पार्टनर की बात चल रही थी। ये अखबार में छपा है उनके बारे में, कत्ल के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इल्जाम किसी आत्मा पर डाल रहे हैं। वो सही कह रहे हैं मिस्टर केडी पाठक, और मुझे यकीन है कि ये मर्डर उसने नहीं किया, और मैं चाहता हूँ कि अदालत को ये यकीन आप दिलाएं सुबीर का केस लड़कर। राइट मिस्टर केजरीवाल, राइट, अदालत को मैं यकीन तो दिला दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तो यकीन होना चाहिए कि आजकल के जमाने में आत्मा, जब आप उससे मिलेंगे तो उसकी हालत देखकर खुद ही समझ जाएंगे।
मैं भूत नहीं केडी पाठक हूं तुम्हारा वकील। तुम्हारे पार्टनर विकास ने भेजा है मुझे। मैंने नहीं मारा चाचा जी को, आम्रपाली ने मारा है, उसकी आत्मा ने मारा है और वो मुझे ही मार डालेगी। आत्मा? हाँ आत्मा, उसी ने मारा है चाचा जी को, उसी ने मारा चाचा जी को, उसी ने मारा, हाँ उसी ने मारा है, उसी ने मारा है। सुबीर, सुबीर, खड़ो 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 खड़ो, बैठ गए, बैठो। देखो सुबीर, अदालत भूत प्रेत में नहीं सबूत में मानता है, और अगर यही बात तुमने अदालत में कही तो तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन मेरी बात सुनो, अदालत में सिर्फ इतना कहना है तुम्हें कि तुमने अपने चाचा जी का खून नहीं किया, और किसने किया ये तुम नहीं जानते। अंडरस्टैंड? दैट्स इट। फिर उन्हें मारा किसने? ये तो सबसे अहम सवाल है सुबीर, कत्ल किया किसने? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पर बॉडी गांव से लगी हुई एक हवेली है, बैरागढ़ हवेली। 40 एकड़ जमीन, 50,000 स्क्वायर फीट की आलीशान हवेली, जिसकी ऑफिशियल कीमत 150 करोड़ से कम नहीं होगी। और ऐसी शानदार प्रॉपर्टी जिसके लिए कोई भी बिल्डर अपना दाहिना हाथ तक दे सकता है, या फिर जैसा इस केस में हुआ, कोई भी उस हवेली के मालिक की जान तक ले सकता है। ये झूठ है। योर ऑनर, सुबीर जसोल और उनके कंस्ट्रक्शन पार्टनर विकास केजरीवाल बैरागढ़ हवेली को एक 5-स्टार होटल बनाना चाहते थे, लेकिन हवेली के मालिक झुज्जर सिंह इसके सख्त खिलाफ थे। इसीलिए 26 जनवरी की रात सुबीर झुज्जर सिंह को अकेले उस हवेली में ले गए और इस कैंडल स्टैंड से उनकी हत्या कर दी, जिसके गवाह है प्रोसिक्यूशन के गवाहों के बयान के मुताबिक किसी ने कत्ल को होते हुए नहीं देखा। सच तो यह है कि सुबीर बाहर गया था गाड़ी से पेपर्स लाने, और हवेली में लौटते ही इसने अपने अंकल की लाश पाई। तो फिर इस मर्डर वेपन पर यानी कैंडल स्टैंड पर सुबीर की उंगलियों के निशान कहां से आए? वो निशान मेरे बाहर जाने से पहले के हैं, जब मैंने उस कैंडल स्टैंड को उठाया था। तो फिर इस पर खूनी की उंगलियों के निशान क्यों नहीं है? क्योंकि वो खूने का आदमी। रुक क्यों गए? बोलिए मिस्टर सुबीर। अदालत भूत प्रेत में नहीं सबूत में मानता है, और अगर यही बात तुमने अदालत में कही तो तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा। खून किसने किया? जवाब दीजिए, बताइए। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के इस सवाल का जवाब देंगी मेरी पहली गवाह, मिस विद्या राठौड़। मिस विद्या राठौड़, क्या ये सही है कि जुज्जर सिंह जी आपके सौतेले चाचा जी थे? हाँ, और सुबीर भैया मेरे कजन। तो क्या ये भी सच है कि जुज्जर सिंह जी ने अपनी वसीयत में बैरागढ़ की हवेली आपके नाम कर दी थी? हाँ, ये सच है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जुज्जर सिंह जी की मौत से पूरा का पूरा फायदा आपका हुआ। हाँ, लेकिन इतने बड़े खंडर का मैं क्या करती? इसीलिए सुबीर भैया से मैंने पहले ही बात कर ली थी कि अगर चाचा जी मर जाएंगे तो उनके बाद हवेली में उन्हें बेच दूंगी। Really? क्या विद्या ने तुमसे ऐसा कहा था सुबीर? जी। इसका मतलब तुम्हारे चाचा जी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें हुआ है। Just a minute, प्रोसिक्यूटर साहब। आप बैरागढ़ हवेली आखिरी बार कब गए? जी, 4 महीने पहले चाचा जी ने मुझे वसीयत करने के लिए बुलाया था। ओके। और कत्ल की रात को आप कहाँ थी? पूना में,
मेरी फ्रेंड की शादी थी। पूना में आपकी सहेली की शादी में आप गई थी, तो यकीनन आपकी सहेली की मैरिज रिसेप्शन बैरागढ़ हवेली में हुई होगी, क्योंकि कल मैं वहां गया था और वहां से मैंने आपके फुटप्रिंट्स, आपकी उंगलियों के निशान और आपके बाल। ये रही उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। ये निशान 4 महीने पुराने भी हो सकते हैं मिस्टर डिफेंस लॉयर। जी मैं उस रात वहां पर थी ही नहीं, ये निशान 4 महीने पुराने हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये सारे निशान, आपके फुटप्रिंट्स, आपकी उंगलियों के निशान 4 महीने पुराने हैं, लेकिन योर ऑनर ये बाल 4 महीने पुराने नहीं हो सकते। योर ऑनर एज यूजुअल डिफेंस लॉयर बाल की खाल निकाल रहे हैं। बाल की खाल नहीं योर ऑनर, मैं बाल पे से सवाल उठा रहा हूँ। ये विद्या के 4 महीने पहले की फोटो। सेंटा क्रूज ब्यूटी पार्लर का ये कहना है कि 4 महीने पहले आपके बाल ब्राउन थे और कत्ल के 3 दिन पहले आपने अपने बाल ब्लैक करवाए। मैं उस रात वो हवेली में ही थी। योर ऑनर, उस रात विद्या हवेली में ही थी। हवेली में क्यों थी तुम विद्या? जी मुझे डर था कि चाचा जी अगर अपनी जिंदगी में ये हवेली किसी और को बेच देंगे तो मेरा क्या होगा, इसीलिए मैं उस रात वो देखने के लिए गई थी कि वो सुबीर भैया को हवेली बेचते हैं या नहीं। देखने गई थी या ये निश्चित करने गई थी कि आपके चाचा जी किसी और को वो हवेली ना बेचे उनका खून करके? कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं उस रात वो हवेली में ही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सुबीर भैया ने चाचा जी का खून कर दिया। विद्या तुम झूठ बोल रही हो मुझे फंसाने के लिए। वो सच बोल रही है, खून तो मैंने किया है। खून मैंने नहीं किया है, खून किसी और ने किया है। किसने बताइए, किसने? आम्रपाली की आत्मा ने। ऑर्डर ऑर्डर, आत्मा ने? हाँ आत्मा ने, राजकुमारी आम्रपाली की आत्मा। Order, order. मैं जानता हूं कि आप सब लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, इनफैक्ट मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसे खुद देखा है। जज साहब, उसने ही चाचा जी का खून किया है, उसने खुद कहा है मुझसे, उसके लहराते हुए बाल, उसकी लाल लाल आंखें, उसका जला हुआ चेहरा। योर ऑनर, ये कत्ल एक आत्मा ने नहीं, एक इंसान ने किया है। नहीं केडी, वो आत्मा ही थी, उसने खुद बताया मुझे कि वो आम्रपाली है। तो इसका मतलब कातिल आप नहीं, आम्रपाली की आत्मा है, राइट? हाँ, आम्रपाली की आत्मा। पहले तो उसने अपना नाम लिया और उसके बाद उसका सर ये गोल गोल घूमने लगा और फिर एक धमाके के साथ वो गायब हो गई। सर अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जड़ीवा से पूछ सकते हैं सर, इस हवेली का रखवाला। भूत प्रेत की कहानी तो हर हवेली में हुआ करती है, जो इसमें भी है, लेकिन हमने 40 सालों से उस हवेली में कुछ नहीं देखा। झूठ बोल रहे हो तुम, तुमने खुद कहा है मुझसे कि तुमने आम्रपाली को देखा है। अरे क्या कहते हैं साहब, मुश्किल से एक आंख है हमारी, एक हाथ, अगर ये भी गलत देखने लगे तो लानत है हम पर। कोई भला नहीं है उस हवेली में, कोई भला नहीं है। योर ऑनर, मिस्टर जसोल, आपको पता है अदालत रूहानी शक्तियों को नहीं मानती है, ये सब कहने से आपके मुकदमे पे गहरा असर पड़ सकता है। तो क्या कहूं जज साहब, कि मैंने मारा चाचा जी को? आप सब लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? चाचा जी को आम्रपाली की आत्मा नहीं मारा है। केस में ट्विस्ट, मिस्टर डिफेंस लॉयर, आज तक आप अपने सारे क्लाइंट्स को बचाते आए किसी और इंसान पर इल्जाम डालकर, लेकिन इस बार अगर आपको अपने इस क्लाइंट को बचाना है तो आत्मा को अदालत में बुलवाकर उससे अपना गुनाह कबूल करवाना होगा।
आत्मा को पेश करो या परमात्मा को याद करो। ऑल द बेस्ट मिस्टर केडी पाठक। कोर्ट इज अर्जेंट फॉर द डे। बापू तुमने झूठ क्यों बोला? बचपन से मेरे अरमान थे कि मैं भूतिया महल देखूं। आज तूने दिखा दिया। थैंक यू वेरी मच। क्या लोकेशन है यार, एकदम फिल्मों जैसी। आइए साहब जी, आइए। मारो छोरो नंदू। और वो कौन है जो वहां छुपे हमको देख रहे हैं? भानुदास सिंह जी, पास भी उनकी हवेली है। है नहीं साहब, थी, अब तो एक होटल है। चले? नहीं साहब जी, आप ही जाइए। क्यों? अदालत में तो आप कह रहे थे कि आप 40 साल से यहाँ हैं और इस समय में आपने कभी कोई भूत प्रेत नहीं देखा, अब किस बात से डर रहे हैं? भूत से या झूठ से जो आपने अदालत में बोला? नंदू तुम चलो। साहब हम तो इन बातों में विश्वास ही नहीं करते हैं, थोड़ा कुछ काम भी है, बापू के लिए दवाई लेके आनी है। अच्छा कोई बात, जाइए। थैंक यू। हाँ भाई चले। हाँ चलो। अम्रपाली, क्या हुआ? अम्रपाली जी आइए आइए, शर्माइए मत। क्या हुआ? केडी चले क्या? अरे रुक ना, अभी तो अम्रपाली आएगा, उसका वो अपना म्यूजिक वीडियो निकालने। अम्रपाली जी इधर से आवाज है? कोई आवाज नहीं आई। जल्दी खामा खा डाल। जागते रहो जागते रहो। चलना यार। अरे रुकना जलवेल, अब आए हैं तो अम्रपाली से मिल के जाएंगे, है ना? हाँ बंदूक वाले भाई साहब, ये बंदूक असली है, चलती है। हाँ जी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे आप पर नहीं चलाऊं, तो कृपया करके बताइए कि आप इसे हम पर क्यों चलाना चाहते थे? मैं तो तन्ने को डराना चाहता था, नहीं ताकि तुम वो केस ना लो और सुबीर हार जाए। सुबीर हार जाए? क्यों चाहते थे कि सुबीर हार जाए? क्या है ना साहब कि वो इस हवेली में 5-स्टार होटल खोलना चाहे था, बगल वाली हवेली में मेरा होटल है छोटा सा, और यहाँ अगर ये होटल खुल गया तो मेरे होटल को कौन पूछेगा? बस यही बात है साहब। समझ गया समझ गया, इसलिए आपने वो आत्मा वात्मा का नाटक करके जुज्जर सिंह को मारा है ना? नहीं 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 साहब, मैंने उसको नहीं मारा, वो तो एक आत्मा है जो ही...
झिलमिल, तेरी गर्लफ्रेंड आ गई। कौन? अरे आम्रपाली। डरा मत यार। किटी, ये सब क्या है यार? यहाँ जरूर कोई आत्मा। केडी वो भाग गया, हम लोग भी चले। चल भाई रुकना, अभी तो शो शुरू है। तुम आम्रपाली, आम्रपाली, जिलमिल, 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 जिलमिल क्या हुआ? झिलमिल यार, काम कर रहे थे। मैंने तुमको बोला था ना, आत्मा होती है, देखो। This is Vilmoria और झिलमिल, please ये पीछे से साउंड इफेक्ट देना बंद करो, मुझे कंसंट्रेट करने दो। ओके ओके, थैंक यू। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन किसने की है ये गड़बड़? शैतानी करामत है ये, पूरी शैतानी करामत। मुंडी ऐसी अजीब, उसके बाद भी तू कह रहा है यार। देख चिलमिल, हाँ, ये किसी शैतान का नहीं, हाँ, इंसान का काम है। अच्छा सुन ना, हाँ, कल मैं हवेली वापस जा रहा हूँ, चलेगा ना? मैं नहीं आ रहा हूँ। के डी पाठक, असली कातिल को ढूंढ निकाला आपने? जी मिस रोहिणी मलिक, असली कातिल को ढूंढ निकाला मैंने। सुबीर बिल्कुल सच कह रहा, जुज्जर सिंह का कत्ल आम्रपाले की आत्मा ने ही किया है। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा ने सुझाव दिया था कि अगर ये बात साबित करनी है तो मुझे आत्मा को अदालत में बुलाना पड़ेगा। मैं वही करने जा रहा हूं। ऑर्डर ऑर्डर, केडी तुम एक आत्मा को अदालत में बुलाने वाले हो? उप्स, बुलाने वाला नहीं योर ऑनर, बुला चुका हूं, वो यही है हमारे बीच। आइए, क्या हो रहा है केडी?
योर ऑनर, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो भी हो रहा है आत्मा कर रही है। एक भटकती आत्मा, मैं एक भटकती आत्मा हूँ। ये बताओ कि जुच्चर सिंह का कत्ल किसने किया? आम्रपाली की आत्मा ने। केडी, चमत्कार योर ऑनर, लेकिन कुदरत का नहीं, इंसान का चमत्कार। अभी अभी अदालत में जो हुआ, उस दिन हवेली में कुछ ऐसा ही हुआ था। अलाउ मी टू शो यू योर ऑनर। कल मैंने एक साउंड एंड लाइट टीम की मदद लेकर कोर्ट में ये वायरलेस साउंड स्पीकर्स लगवाए हैं। ये है आत्मा की आवाज। मैं एक भटकती आत्मा हूं। के लाइट मीटर बॉक्स के पास एक आदमी रखा जिसने अल्टरनेटर के जरिए ये लाइट्स फ्लिकर की। लेकिन वो उड़ता हुआ रोशनी का साया, आपके पीछे रखा हुआ प्रोजेक्शन बॉक्स जो कुछ पलों के लिए लाइट प्रोजेक्ट करता है, जिससे ऐसा लगता है कि रूह उड़कर गई। और वो गायब होने वाली रूप? हाँ, वो जादू की सबसे पुरानी ट्रिक, द राइजिंग लेडी। एक वायर पे ह्यूमन जिस्म के शेप में एक वायर मेश बनाया जाता है और उसके ऊपर चादर। इनविजिबल वायर खींचते ही वायर मेश गायब और चादर नीचे। लेकिन वो आम्रपाली की आत्मा जिसे मैंने हवेली में देखा था? तुम्हारा मतलब है ऐसा कुछ? ये तो मेरा दोस्त झिलमिल है। झिलमिल, अपना मास्क तो उतारो।
आम्रपाली की आत्मा योर ऑनर। लेकिन इसका तो सर गोल गोल घूमा था 360 डिग्री। दिस इज इम्पॉसिबल। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? मैं समझाता हूँ। जिल में जरा मास्क। योर ऑनर, इस मास्क के ऊपरी हिस्से पर एक सिलेंड्रिकल प्लेट लगा है जिसका वायर कनेक्ट होता है एक रेड बटन पर, जिसे दबाने से अवार्ड विनिंग स्पेशल इफेक्ट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां अवार्ड नहीं, फ्रॉड के लिए सजा दी जाएगी। लेकिन फिर वो आत्मा, आई मीन वो औरत गायब कैसे हुई? वेरी सिंपल योर ऑनर, रिमोट ट्रिगर डैश बॉम्ब जिसके फटने से चारों तरफ धुंध सी फैल जाती है और आम्रपाली को एक खुफिया ट्रैप डोर के जरिए निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन ये किसी इंसान का काम है, तुम्हें पता कैसे चला? योर ऑनर, छोटे से छोटा सुराग बड़े से बड़े षड्यंत्र को एक्सपोज करके रख देता है। उस रात जब मैं आम्रपाली का लाइट एंड साउंड शो देख रहा था तो इंप्रेस तो हुआ लेकिन चौंका भी। देखिए क्यों, प्लीज वॉच केयरफुली यार। देखिए योर ऑनर, कांच का पुतला टूटा लेकिन कोई पत्थर नहीं, कोई तीर नहीं, कोई गोली नहीं। योर ऑनर, वो वहां नीचे पड़े सफेद टुकड़े पर नजर रखी बिना कोई सबूत छोड़े। क्या है ये? प्रोसिक्यूटर साहब, ये बर्फ की गोली है। जो लगती है तो जोर से लगती है योर ऑनर, लेकिन पलों में पिघल कर गायब हो जाती है। और इस पिघलते हुए बर्फ की गोली को देखकर मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये किसी आत्मा की नहीं, किसी इंसान की लंबी चौड़ी साजिश है। करोड़ों का दाम, इसीलिए आम्रपाली के भूत की कहानी बनाकर लोगों को इस हवेली से दूर रखा जाता था। जुज्जर सिंह को भी इसीलिए मारा गया योर ऑनर, नहीं तो इनके अफीम का धंधा बंद हो जाता जिसका मतलब होता करोड़ों का नुकसान। ये गैंग चला कौन रहा? योर ऑनर, कहते हैं कि कोयले की दलाली में हाथ तो काले होंगे। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि दिन रात अफीम उगाने वाले के हाथों में अफीम की बू तो आ ही जाएगी। क्यों? और वो शख्स जिससे मैं जब भी मिला मुझे उसके बदन से अफीम की बू आई, वो है हवेली का रखवाला जरीबा। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जरीबा, अदालत तुमसे जानना चाहती है कि तुमने ये अफीम का धंधा क्यों शुरू किया। हम सब जानते हैं कि इस गिरोह के सरदार तुम ही हो। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो फिर तुमने सुबीर को इस केस में फंसाया क्यों? विद्या मैम साहब के कहने पर। ऑर्डर ऑर्डर। मैम साहब ने कहा था कि अगर सुबीर साहब हवेली खरीद लेते हैं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। पर वकील साहब, मैंने अपने सारे जीवन अफीम देखी तक ना है, सच कहो। जरीबा तुम बैठो। योर ऑनर, में जरीबा के बेटे नंदू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? नंदू, जरा अपने हाथ अदालत को दिखाने का कष्ट करेंगे? नहीं साहब,
नहीं। नंदू, ये जो तुम्हारे हाथों में से अफीम की बू आ रही है, इसके बारे में जरा अदालत को बताओ। बताओ वरना खामखा वहां हवेली में छुपे हुए तुम्हारे गिरोह के बाकी लोगों को यहां बुलाना पड़ेगा। बुलाएं क्या? हम नहीं मारा जुजर सिंह जी को। ऑर्डर ऑर्डर, हम ही अमरपाली की आत्मा, हम 10 लोगों का गिरोह है साहब। इसमें से 2 लोग मुंबई के फिल्म स्टूडियो में काम करते थे। ये सारा खेल करता वहीं से सीखा है उन्होंने। ये प्लान पूरा हमारा था साहब। हमारे बाबूजी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें जाने दीजिए, सजा हमको दीजिए साहब, हमको दीजिए। अरे इसमें केस योर ऑनर, अदालत मिस्टर सुबीर जसोल को बाइज्जत बरी करती है और हुक्म देती है कि नंदलाल और उसके गिरोह को अदालत में 19 फरवरी को पेश किया जाए। और केडी, जहां मैं एक तरफ तुम्हारी काबिलियत की दाद देता हूं, वहीं दूसरी तरफ मैं तुमसे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा हूं। तुमने बिना मुझे बताए इस न्यायालय के साथ खिलवाड़ किया है। क्षमा चाहता हूं, जिसकी सजा में तुम्हें 11,000 रुपए भरने पड़ेंगे। मंजूर है यार। थैंक्स। अगर आप ना होते तो ये चाय मैं जेल में बैठकर पी रहा होता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हवेली में भूत को देखने के बाद भी आप डरे क्यों नहीं? हाँ, गुड क्वेश्चन। क्योंकि इससे भी बड़े डर का सामना करना था मुझे, तुम्हारा केस हार जाने का डर। वो जिलमिल, एक महापुरुष ने कहा था ना कि जो डर को करे पार उसकी वो जीत, नॉट हार। किसने कहा था? केडी पाठक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।